ये थाली चेक करो कितनी ही ज्यादा सुंदर है। ये थाली सर ऐसी क्वालिटी और क्वांटिटी सारे जलंधर शहर में कहीं नहीं मिलेगी। तो यार चलो आपको दिखाता हूँ ढाबा की किचन। और भाई जो बाहर माहौल है ना देखकर मेरे को पता लग रहा है कि इस टाइम पूरा फ्लो में काम। जलंधर शहर में लोग कहते हैं लंच के लिए सबसे बढ़िया जो डेस्टिनेशन है जो जगह वो आपका ढाबा है। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। ये सर अपनी छोटी किचन है ना, मेन किचन का मेन किचन ऊपर है जी, सारा चाइनीज का हमारा काम ऊपर है। जो भी चाइनीज है जी वो सारा ऑन ऑर्डर होता है जी, कुछ हम रेडी नहीं रखते जी, बिल्कुल फ्रेश सर्विस है। बहुत ही बढ़िया। और ये आपका मेरे ख्याल Zomato Swiggy का होता है। Zomato Swiggy तो चल रहा है जी, वो तो चलता रहता है सारा दिन जी। दिखाइए सर, ये जी हमारा दही भल्ला बन रहा है सर। अच्छा, ये दही भले भाई प्लेट्स लग के तैयार है, अंदर कस्टमर्स के लिए जा रही है। हाँ जी, हाँ जी। और ये शेफ साहब क्या लगा रहे हैं? शेफ साहब जीरा राइस लगा रहे हैं। शेफ साहब लगा रहे हैं जीरा राइस। और भाई स्पीकर लगा हुआ है किचन में, अंदर से आवाज आती है ऑर्डर की। भाई ये चेक करो शेफ साहब, ये क्या लगा रहे हो सर? ये कढ़ाई पनीर इतना सारा एक साथ ही? हाँ जी, हाँ जी सर, ये बस ऑर्डर के साथ साथ जा रहा है जी, बस सारा दिन शेफ की ड्यूटी है, लगा रहा है। अच्छा, मतलब ये 2-3 मिनट का ही ऑर्डर है अंदर का? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, साथ साथ में बस। माइक में ना आवाज आ रही है कि 15 नंबर दे दो, 16 नंबर दे दो, मतलब वेटिंग चल रही है 15 से 16 नंबर की। और भाई मेरे को लग रहा था वेटिंग क्यों, और वेटिंग देखने से पता लग रहा है कि इस चीज की अभी ऑर्डर जाएगा इकट्ठा। ये पहली सब्जी भाई यहाँ की दाल, दाल मखनी जी भाई, स्पेशल बटर देसी घी सब कुछ डाल के सर, बहुत ही कमाल। और एकदम सुनहरा जो ऊपर रंग है ना वो आया हुआ है दाल का, देसी घी की वजह से। सुखे छोले जी, पंजाबी चने जिनको कहते हैं, और बहुत ही बेहतरीन दिख रहे हैं। और ये मिक्स वेज की लुक देखो भाई, ये मिक्स वेज, वाह वाह वाह। कढ़ाई पनीर ना मैंने काफी तरह का देखा है, बहुत सारा ग्रेवी वाला रहता है। ये सर स्पेशल है हमारा, ऐसा कोई नहीं बनाता, एकदम थिक ग्रेवी वाला है ना। हाँ जी, हाँ जी सर, वाह। पूरा मसाला देखो भाई, अभी आया गर्मा गर्म, उन्होंने मतलब इधर पाजी आ भी गए पैकिंग करने के लिए, मतलब कस्टमर के घर चीज जाएगी तो बिल्कुल एकदम ज्वाला ही ज्वाला वाला। वाह, ये आगे जी स्पेशल पीली दाल मूंगी मसर की, बहुत ही बढ़िया। पर पीछे दिखाना चाहूंगा मैं सर के, माहौल देखो, पैकिंग जा रही है लगातार, अंदर सेटिंग है बहुत बढ़िया। होगी आपको दिखाता हूँ आगे चलकर। ये आगे सर पनीर बटर मसाला सर। वाह भाई, पनीर की लुक चेक करो, एकदम बढ़िया घुला हुआ पनीर है, पनीर साथ साथ में फ्रेश डल रहा है जी। वाह, शाही लोगों की शाही पसंद जी, शाही पनीर, बढ़िया कड़ी पत्ता भी डला हुआ बीच में, और बहुत ही कमाल की लुक है। वाह, ये ग्रेवी वाला चना आ गया, ये ग्रेवी आ गई पनीर साथ में। वाह, पनीर वाले छोले भाई साहब, भाई ये आ गया जी मलाई कोफ्ता जी। ओहो भाई, कोफ्ते का पीस चेक करो आप, एकदम बड़ा बड़ा कोफ्ता, कड़ी आ गई जी स्पेशल। वाह, एकदम बढ़िया पकौड़े और एकदम गाढ़ी कड़ी, बहुत ही बेहतरीन। ब्रेकफास्ट भी होता सर अपने पास? ब्रेकफास्ट नहीं सर, डायरेक्ट 10:30 शुरू हो जाता है, 10:30 से 11 बजे नॉन स्टॉप, ठीक है, कोई रेस्ट नहीं, जब मर्जी आओ, मतलब लंच और डिनर दोनों भाई। और ये क्या सर, राजमा? राजमा जी भाई, राजमा तो लगता है बहुत ही पसंद किया, यहाँ पे खत्म होने वाले हैं बिल्कुल। वाह, साथ साथ में फिलिंग चल रही है, साथ साथ भारी पैकिंग जा रही है, मतलब ऑर्डर ना पैक होते जा रहे हैं, सामान कम होता जा रहा है, दोबारा भरता जा रहा है। हाँ जी सर, ये बढ़िया तंदूर ये चल रहा है, एक बार दिखाइए वो भी। हाँ जी, हाँ जी, आइए सर। ढाबा की जो वाइब है ना बिल्कुल डिफरेंट है, लग रही है जी साथ में रोटी लग रही है। अब ये तंदूर देखो आप, 1-2-3 तंदूर चल रहे हैं, और यहाँ पे उस्ताद जी आप रोटी लगा रहे हैं तंदूरी। वाह उस्ताद जी, बढ़िया तंदूरी रोटी लगा रहे हैं। उधर उस्ताद जी आप क्या लगा रहे हो? उस्ताद जी भी रोटी लगा रहे हैं, और रोटियां कुछ बन के भी बड़ी है यहाँ पर। तंदूरी रोटी तो साडे को हैगी हैगी है, देखो तेरे सामने लाइव साडी बन रही है, नालों नाल तवा रोटी भाई, तंदूरी रोटी तो है ही यहाँ पर, तवा रोटी भी बहुत ही कमाल लग रही है, और एकदम बढ़िया घर का फुलका भी मिल जाएगा। अगर आपको नई तंदूरी रोटी खानी तो घर का फुलका भी है यहाँ पे। भाजी सारे दर्शन हो गए, दीदार हो गए, मतलब रोटियां भी देख ली, चार भी देख ले, सब कुछ हो गया। हाँ जी, अब खिलाओगे क्या आप? सानू भाजी असी खवावांगे स्पेशल पनीर पंजाबी। पनीर पंजाबी? हाँ जी, बिल्कुल स्पेशल डिश साडी, सारी जलंधर जी तुसी इतनी डिश नहीं खादी होएगी। क्या बात है, स्पेशल शेफ स्पेशल बनाएगा जी ऑन ऑर्डर, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूं। हां जी, हां जी, हां जी सर, तो लगाओ भाई साहब। शेफ साहब इधर भाई, दो दो कढ़ाइयां लगी हुई हैं। तो ये आगे जी चीज टमाटो की ग्रेवी, गर्मा गर्म कढ़ाई के अंदर। और भाई शेफ साहब नाम नहीं बताया आपने अपना, केजरीवाल दिल्ली वाले, क्या बात है सर, ये तो पंजाब वाले हैं भाई। ये देखो, ये आ गया जी तड़का जो तैयार किया हुआ है पहले से। ये देखो भाई, भट्टी कर दी उस्ताद जी ने तेज, और सब्जी बननी हो गई शुरू, पनीर पंजाबी। वाह, ये ऊपर आई जी करीम की धार, ये आ गया जी हरा धनिया, ये भाजी आ गई स्पेशल आइटम है, स्पेशल स्पेशल आइटम भाजी, स्पेशल रनिंग आइटम सर, रनिंग आइटम है ये, पूरा दिन भाई आइटम भागती रहती है। ऊपर आ गया ट्रायंगल शेप में कटा हुआ बढ़िया सा पनीर भाई साहब, ये ऊपर से आ गया रोगन, और सब्जी तैयार है,
सर एक थाली की बहुत तारीफ सुन रहा हूँ कि थाली आपकी बहुत कमाल है और जिस रेट में देते हो बड़ा वैल्यू पर मिलती है थाली 175 में। एक बार लगा के दिखाइए सर वो थाली। जरूर जरूर सर। खैर गुंदीप भाजी लगाने लगे हैं ब्लिस ढाबा की स्पेशल थाली और बढ़िया कटोरियां आ गई है। आ गई पहली सब्जी भाई दाल मखनी स्पेशल दाल जी देसी घी डाल के। क्या बात है जी। ये आ गई जी मिक्स वेज और इनकी मिक्स वेज की यार रंगत ना बहुत ही ज्यादा सुंदर है। एक बार आप पास से देखो। वाह। तो ये आ रहा जी पनीर मखनी या पनीर बटर मसाला और बड़ी स्मूथ टेक्सचर वाली ग्रेवी है। और ये आ गया भाई वेजिटेबल पुलाव। वाह गर्मा गर्म। ये आ गए जी सर दो लच्छे पराठे। वाह। और ये आ गए लच्छे पराठे दो साथ में सर मीठा मीठा मीठे में सर खीर। वाह स्वीट डिश में भाई खीर। और ये सर वाले ये थाली सर ऐसी क्वालिटी और क्वांटिटी सारे जलंधर शहर में कहीं नहीं मिलेगी आपको। और जो दाल पूरी देसी घी की दाल बहुत ही बढ़िया। तो सर ये जो अपनी थाली कितने की है ये सर 175 रुपीज़ भाई 175 में इतनी ज़्यादा कमाल की थाली। स्वीट डिश साथ में केसर खीर। क्या बात है। तो भाई सीन कुछ ऐसा सारी आपको किचन दिखाई इतनी बिजी किचन ऑर्डर पे ऑर्डर तड़के पे तड़के कस्टमर आ रहे हैं जा रहे हैं ऑर्डर लग रहे हैं ऑनलाइन जोमेटो से फुल बिजी माहौल था। और ऐसे माहौल में ना शूट करके आया था बहुत सारा मज़ा। अब मज़ा जिस चीज़ के लिए है वो चीज़ चेक करो। ये रही भाई दाल मिक्स वेज पनीर बटर मसाला और ये रहा जी पुलाव। वो जो पनीर था ना जो पंजाबी जिसके ऊपर दिल बना हुआ था हमने वही देखा। तो ये लगवा लिया थोड़ा सा क्वांटिटी की वेस्टेज नाउ फूड की। अब सीन ऐसा भाई कमाल का लच्छा पराठा देसी घी वाला खीर साथ में है माहौल बना हुआ है। और पंजाबी ढाबे का जो माहौल है उसका कोई तोड़ नहीं है। कोई जो फाइव स्टार रेस्टोरेंट कोई होटल उसका निचोड़ नहीं निकाल सकता जो भाई वाइब यहाँ पे आती है। अब वाइब चेक करते हैं सबसे पहले लच्छे पराठा के साथ दाल इसमें मारते हैं डुबकी हल्की सी। भाई और बहनों ये दाल कमाल लग रही है। तोबा 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 थारा मूड खराब कर दिया। आ जाओ दाल में ना बढ़िया स्मोकी टेक्सचर है तंदूरी दाल लग रही है इसे तंदूर में बनी हो ना तंदूर का बड़ा अच्छा टच आया हुआ है क्योंकि हल्की हल्की सेक भी बनाई होगी हल्के हल्के सेक से क्या होता है जो स्मोकी फ्लेवर है जो मखमली होती दाल उसका मज़ा बहुत है। दाल पास है और ढाबे की बात दाल कमाल हो तो ढाबा कमाल ही होता है। दोस्तों ये है पनीर बटर मसाला। वाह बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर है स्मूथ समझ ना स्मूथ वैसा टेक्सचर है भाजी समझ जाना है यार स्मूथ से समझो ना। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसा स्मूथ। अब आपकी बंदी फोन पे जैसे आपको बनाती है ना बना देती है बस स्मूथली बन जाते हो बनाया तुम वैसा स्मूथ टेक्सचर है। पनीर की एक बार टलोगे आंखें बंद करने में मजबूर हो जाओगे इतना स्मूथ पनीर है। अब आगे आओ भाई एकदम बढ़िया मिक्स वेज जैसे ही लुक है वैसा ही स्वाद है बड़ी फ्रेश फ्रेश लुक है ना फ्रेशनेस ही स्वाद है। ज़्यादा ढाबों पे क्या होता है जो मिक्स वेज होती है ना वो सूखी सूखी होती है पर ये मिक्स वेज जो है ना ये ऐसी है कि आप अकेले भी अगर ऑर्डर करोगे इसके साथ रोटी खाओगे बड़े आराम से खाई जाएगी मज़ा आएगा। भाई लोकेशन बड़ी आसान है न्यू सेशन कोर्ट जलंधर के बिल्कुल सामने ब्लिस ढाबा। और भाई मैं करता हूँ मील इंजॉय और आप वीडियो को लाइक कर देना चैनल सब्सक्राइब किया तो कर लो। और एक ऐसी बढ़िया सी थाली और देख ली ना आपने इतनी कमाल की है जलंधर की वो भी वीडियो आएगी वो भी चेक करके जाना मज़ा आ जाएगा भाई आपको।